गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी दूसरी वीडियो में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इस बार कोई अच्छी ढंग की जगह जाएंगे। तो इस बार हम इंडिया किसान आन बान में जा रहे हैं, जैसे इंडिया गेट। इस बार हम इंडिया गेट जाएंगे। तो भाइयों, कहाँ जाएंगे हम लोग? इंडिया गेट। हाँ, तो आप देखते रहिए शुरुआत तक, आपको बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा। और बने रहिए हमारे साथ व्लॉग विद सैमी। हम आ चुके हैं इंडिया गेट पे, लेकिन आज इंडिया गेट बंद है कुछ बहुत दिनों से बंद है कुछ रीजन के कारण। हाँ, तो फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई हमारे इंडिया गेट पे, लेकिन इंडिया गेट ही आज बंद हो रखा है। अरे मैं बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, जैसे कि भाई हम आए यार वीडियो बनाने के लिए, हम बना ही नहीं पा रहे हैं। और क्या कहते हैं यार, छोड़ो, मतलब बाहर से हम आपको दिखाएंगे कि इंडिया गेट के बारे में, मतलब इंडिया गेट के बारे में क्या जो कोई इसकी लंबाई तकरीबन 42 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है ये 9.1 मीटर है। इसमें जो इंडिया गेट के ऊपर जो है, ये इंडिया गेट के जो ऊपर है यहाँ पर इंडिया मतलब कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ वर्ड लिखे पर हैं। और 70 और हर दीवार में मतलब छोटे छोटे 70,000 शहीदों के, 70,000 जो भारतीय शहीदों के नाम लिखे हुए, जो विश्व युद्ध में जिनका शहीद वो भाग लिए थे, तो ब्रिटिश में मतलब भर्ती हुए थे, ब्रिटिश आर्मी है उसमें जो भर्ती हुए थे, और उसमें मतलब जो शहीद हो गए थे ना विश्व युद्ध में 70,000 सैनिक, तो उन सबके नाम लिखे हुए इसमें। ये जो अमर जवान, इसके नीचे जस्ट अमर जवान ज्योति है, और उसमें अमर जवान ज्योति में अमर ज्योति मतलब वो अमर जवान ज्योति हमेशा चलती रहती है, जो मतलब इन सबको मतलब वो हिल, अगर आप दिल्ली में हो तो एक बार मस्ट, मतलब दिल्ली आओ कभी घूमने बाहर से, तो इंडिया गेट सबसे पहले, अगर इंडिया गेट नहीं घूमा आपने तो आप कुछ नहीं घूमा दिल्ली, फिर आपकी दिल्ली अधूरी है। तो आज के लिए इतना ही, अब क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। हम भी बड़े दिनों बाद आए थे यहाँ पर, बहुत दो कम हम तकरीबन तीन चार साल बाद आए थे हम यहाँ पर बैठे घूमने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। चलो आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ, अब देखते हैं हम अगली वीडियो में शायद कोशिश करते हैं कि जो बंद ना हो थोड़ा घूम सके वहाँ पर, अच्छे से मतलब कर सके हम आप कुछ वीडियो बना पाए। तो आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए हमारे साथ लोग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग व्लॉग विद सैमी।